क्या हुआ बेटा? भैया क्या हुआ है? मेरे गल क्या तबीयत खराब है? यहाँ बैठ जा। पता नहीं यार क्या हो गया इस लड़की के। क्या हुआ बेटा, क्या खाया सुबह से? घर का है तुम्हारा? एक बार चल मेरे साथ चल। ज्यादा दिक्कत हो रही है? हटना भाई, एक बार हटना। घर का है तुम्हारा भाई? आप जानते हो इस लड़की को? हाँ भाई, सामने रहती है। यहीं इधर ही? हाँ। बेटा क्या हो रहा है, ज्यादा दिक्कत हो रही है? हैं भाई, पानी वानी है किसी के पास? बेटा उठ जा आराम से। अरे छोटे हट जा। खाया क्या इसने? बेटा खाया क्या तूने? खाना कुछ खाया है क्या? क्या रोटी? हटियो भाई, हट जाओ, हट जाओ भाई। अभी तबीयत ज्यादा खराब हो रही लड़की की। बेटा हुआ क्या? पर तुम्हें गले में, गले में कुछ दिक्कत हो रही है? हटना, आ जाओ भाई। पता नहीं इस लड़की को यार क्या हो गया, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी। कौन से फ्लोर पर रहती हूँ? पानी वानी है तुम्हारे पास? चलो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी मम्मी ने शायद कुछ इसे गलत खाने के लिए दे दिया, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। कहाँ? ऊपर ऊपर है। चलो इसकी भाई कुछ ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। हाँ भाई। बेटा आ जाओ। पता नहीं यार क्या खा लिया, बस खाना ही खाया है। अरे बहन जी दरवाजा खोलो, आपकी बच्ची की तबीयत खराब है। बेटा ज्यादा दिक्कत हो रही है? पानी में नहीं कह रही है? ये आपकी बेटी है? लड़की को आप ये बताओ इसे क्या खाने के लिए दिया आपने जो इसकी तबीयत खराब हो गई इतनी? भैया मैंने तो नॉर्मली जो टिफिन में लंच देते वही दिया। टिफिन में क्या दिया आपने? रोटी सब्जी दी थी लड़की को, गरम जी, ताजा और गरम दी थी ना जी। उसी की वजह से इसकी तबीयत खराब है। आपने जो इसे गरम खाना दिया है उसकी वजह से इसके गले में दिक्कत हो गई, और हो सकता है इस लड़की को कैंसर भी हो, जिससे इसकी जान भी जा सकती है। दोस्तों ये देखो, एक माँ अपनी बच्ची की जान कैसे ले रही है, और ऐसी ये अकेली माँ नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसी लाखों करोड़ों माएं हैं। और ये वीडियो हम बना रहे हैं आप सबकी जागरूकता के लिए। ना तो ये बच्ची बीमार है और ना ही ये इस बच्ची की माँ है। बेटा इधर आ। ऐसे प्लास्टिक के टिफिन में लोग गर्म करके खाना देते हैं, और गर्म खाना देने से होता क्या है, कैंसर बनता है बच्चों में। आजकल आप देखना ज्यादातर बच्चों में कैंसर पाया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है गरम खाना करती है माए सुबह सुबह, सुबह 7, 7:30, 8 बजे बिल्कुल गरम खाना करके रोटी और सब्जी देती है, और वो गरम खाना प्लास्टिक में मिलकर, प्लास्टिक के छोटे छोटे कण जो हमारी नेक्ड आईज से हमें दिखते भी नहीं है, वो कण हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और बच्चों के अंदर इतनी इम्यूनिटी पावर होती नहीं और कैंसर पैदा हो जाता है। आजकल 5 साल से 10 साल के बच्चों में भी इतने ज्यादा कैंसर के पीड़ित पाए गए हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। आप जैसा कि देख सकते हो ये बच्ची बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, मगर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी जान आज खतरे में है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी माता बहन प्लास्टिक के टिफिन में गर्म खाना करके ना दे, क्योंकि आप अगर 7, 7:30 बजे भी गर्म खाना करके देते हो तो क्या बच्चा आपका गर्म खाना खाता है? नहीं, क्योंकि स्कूल का लंच होता है दिन में 12 बजे, 11 से 12 बजे। अगर सुबह आपने 8 बजे कितना भी गर्म खाना दिया वो ठंडा होकर मिलता है, मगर उसमें कैंसर बन के मिलता बच्चों को। आप क्या कर सकते हो इससे बचने के लिए? सबसे पहले कोशिश करें कि प्लास्टिक का टिफिन यूज ना करें, और दूसरी चीज, अगर आप प्लास्टिक यूज फिर भी कर रहे हो, कोई दिक्कत है, कोई मजबूरी है, तो आप ये कर सकते हो कि भाई खाने को जो गर्म खाना ताजा खाना बनता है उसे 10 मिनट 5 मिनट पंखा के नीचे रख दें, जिससे कि वो गर्म खाना ठंडा हो जाए, क्योंकि बच्चे को जब भी ठंडा ही मिलता है। तो आप गर्म खाना ना देकर ठंडा करके दें, उससे क्या होगा कि प्लास्टिक गल-गल के खाने के साथ बच्चे के पेट में नहीं जाएगी। विश्वास मानो मेरे भाई, आजकल बच्चों की इतनी ज्यादा बुरी हालत है देखी भी नहीं जाती, और सबसे ज्यादा बच्चे कैंसर के पीड़ित पाए जा रहे हैं, और कैंसर एक लगभग ना लाइलाज बीमारी है जिसका अभी तक कोई खास इलाज नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। और बहुत से ऐसे परिवार है
जो कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी नहीं कर पाते, कैंसर का इलाज हो भी नहीं पाता। बच्चों के साथ साथ अगर बच्चों के माँ बाप भी कोई प्लास्टिक के टिफिन में ऐसे खाना लेकर जा रहे हैं तो आज ही सतर्क हो जाएं और कोई भी गर्म चीज प्लास्टिक के बर्तन में ना लेकर जाए, वरना वो सीधा सीधा आपको कैंसर बना रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 5 साल बाद अपना चेकअप करवाएंगे, आपके अंदर कैंसर पाया जाएगा भाई, और ये गारंटीड है। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को शेयर करके पूरे समाज में एक अच्छा मैसेज पहुंचाएं।